ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, जो कहते मुझे रात में 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, इसलिए अमृत वेला नहीं उठ पाते, तो उनको मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, ज्ञान सरोवर बन करके कंप्लीट हो गया था, लेकिन बाउंड्री नहीं बनी हुई थी। उस समय दादी ने 10-10 ज्ञान सरोवर निवासियों की नाइट पेट्रोलिंग, माना रात्रि 10 बजे से सुबह 3 बजे तक ज्ञान सरोवर के चारों ओर चक्कर लगाना है। आप लोग में से ज्ञान सरोवर जो गए हैं, उन्होंने देखा ही है कि ज्ञान सरोवर कैसा है, ऊपर नीचे, है ना, ऊंचाई नीचाई। तो रात्रि 10 बजे से सुबह 3 बजे तक चक्कर लगाना है, और फिर 3 बजे लोग सोने जाते थे, मैं भी जाता था। तो 3 बजे सोएंगे, सुबह 3 बजे सोएंगे, तो कितने बजे उठेंगे? 8-9। सुबह 3 बजे सोएंगे तो 5 बजे उठ जाएंगे। अच्छा, 2 घंटे में रात भर की नींद पूरी। अच्छा, और लोगों का क्या विचार है? आप सुबह 3 बजे रात भर चक्कर लगाए हैं, थके हुए हैं, और सुबह 3 बजे सो रहे हैं, तो कितने बजे उठेंगे? करीब 8-9 बज जाएंगे। अच्छा, देखो, फिर हमारा भी एक सप्ताह के बाद टर्न आता था, सब सोने जाते थे, मैं भी जाता था, और मैं बाबा को कहता था, बाबा देखो मेरा ये संकल्प है, मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आपकी सेवा में था, आपकी जवाबदारी है, मुझे 4:15 बजे फ्रेश नींद से जगाना, 4:15 बजे, 3:45 का थका हुआ। अच्छा, तो जब हम थे और बाबा से गुड नाइट, गुड मॉर्निंग करता था, गुड मॉर्निंग करके उसके बाद मैं घड़ी की ओर देखता था, एक्यूरेट 3:45। और ऐसे नहीं कि कोई भारी भारीपन लगे, नींद आवे, उस दिन और ऐसे लगता था जैसे मैं फरिश्ता बन करके बैठा हुआ हूं। ये किसकी मदद थी? मैं होता तो मैं तो 8-9 बजे तक सो ही रहता, लेकिन किसने जगाया? बाबा ने जगाया। तो बाबा जगाता है, आप संकल्प तो करें दिल से। तो आज अमृत, आज ये योग भट्टी में आप सब आए हैं, तो ये संकल्प बाबा के साथ करके जाना कि आज से हमें प्रतिदिन बाबा जो आपकी ये पहली आज्ञा अवश्य पूरा करके दिखाना है, पहले का योग मिस नहीं करना है।